फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वाद की रसोई में। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ राजमा लिए जिसको रात भर भिगो लिया था। अब इन राजमा को कुकर में डालेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, हमने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करा। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इनको राजमा को उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे राजमा उबल चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दिया। अब इसमें ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने तड़के के लिए यहाँ प्याज और लहसुन को पीस लिया है, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट तैयार कर लिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हींग ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, जीरा हमारा भुन चुका है। अब ये प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा किचन किंग डालेंगे। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। हमने इसमें हल्दी नहीं डाली, अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें राजमा डालेंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे राजमा को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास में नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।